किसका जी वह कहा कृतिका जी थोड़ा राइट में आ जाइए। मैम लुक हियर या मैम हियर गाइस नाउ मैम चलो चलो आ जाओ आ जाओ कौन बता रहा है अरे आई एम सॉरी बाबा सो हैप्पी हां तुम आगे आशीष इसका नाम हियर मैम यो मैम मैम यो Yes, ma'am. Thank you, everyone. ma'am, yo. कल में हुआ तो थोड़ा. मुझे तो हिंदू किया जिस पर. Hi. Listen. Hey, friend. ma'am. मुझे ma'am यार. क्या? Ma'am this side. इन दबा. ma'am. ma'am इसका हो गया वो पीछे आ जाओ जल्दी फटक से. बाकी लोगों को जानते हैं. मैम एक सेकंड मैम मैम थैंक यू मैम यहाँ पे सेंटर सोलो सोलो मैम लुक हियर मैम लुक हियर इसका नाम लुक हियर मैम वेट 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 मैम यो बोल मैम यो मैम यो बोल जी यहां पे बोल मैम यो क्रॉस हो रहा है ना हां बोल जी यहां पे सेंटर यार ये तो बिंदास कच्ची एकदम आज नई लड़की ऐसा काम करती है बोल जी यहां पे सेंटर कर रहे यार सॉरी बोल जी यहां पे मैम यो नहीं मिलता मैम यहां पे बैकड्रॉप इधर करते ना अच्छा भाई बोल मैम यो मैम यो बोलो बोलो यो मैम दिस साइड मैम यो थैंक यू थैंक यू अरे यार I think we're going to be able to do it.
एक्सक्यूज मी बीच में मिले के मैं यहाँ पे अरे यार इधर ही बाइट कर ले बोलो वापस हो गया क्या हेलो Thank you. Should be about dark or yellow or white or pink. I should be about anything. Yeah. So, hi, Kalaji. How are you? Good to see you. It's the big hug that is in return for all the nice things you helped me out with at the long, long chats. Thank you. Quickly, I'm losing steps. No, you are. This is a rough cut. Thank you so much. It's nice to be in Mumbai. I love it. I've been a Shades of India fan from way, way, way back. I used to go to their Delhi store. जब मैं बॉम्बे से दिल्ली जाती हूँ तो कुछ अपने लिए छोटा सा ट्रीट खरीदने के लिए I would go to Shades of India. And I've been wearing their stuff for years. It's delicate but durable. I love that. हाँ भाई मैं तो वैसे डिज़ाइनर कपड़े कम पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग जेन्युइनली हमारे आर्ट और क्राफ्ट्स और वीविंग को रिस्पेक्ट करके और जो लोग बनाते हैं उनको रिस्पेक्ट करके चीज़ें बनाते हैं और ऐसे डिज़ाइनर्स जो मुझे चेज़ नहीं करते कि फ़ोटो भेजो ये नहीं ले सकते वो नहीं कर सकते ये दिल खोल के देते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है इनके कपड़े पहनने में सो आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू मैं तो बहुत ही कम ड्रेसअप करती हूँ मेरी यूनिफॉर्म जीन्स और शर्ट्स रहती है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज एक इंटरेस्टिंग आउटफिट साड़ी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक एंड अ वेरी कंफर्टेबल टेक अदरवाइज यू आर हाइडिंग योर स्टमक एंड ट्राइंग टू यू डोंट नीड टू सो आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टेक ऑन द साड़ी एंड आई रियली लाइक इट आई एम वेरी मच एट ईज और मुझे कपड़े बहुत पसंद हैं मैं भी शेड्स ऑफ इंडिया से काफ़ी देर से वाकिफ हूँ मैम से मुलाकात भी हुई थी एक साल पहले एक एसोसिएशन के ज़रिए तो हियर्स विशिंग शेड्स ऑफ इंडिया एंड मैम अ वेरी 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 सक्सेसफुल बॉम्बे स्टिल बॉम्बे थैंक यू सो मच मोर देन स्टेट ऑफ कोर्स कलेक्शन किस तरह से लगा दो आपको और अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो कौन सा पर्सन होगा कौन सा किसी को अगर गिफ्ट देना हो तो कौन होगा गिफ्ट क्यों देना अपने लिए रखेंगे ना यहाँ से उनको एड्रेस भेज देंगे कि प्लीज़ शेड्स ऑफ इंडिया जाके अपने लिए खुद खरीद लीजिए खरीदेंगे तो अपने अपने खुद के लिए खरीदेंगे
The collection, I actually had the good fortune, main Delhi mein thi, so I've seen a lot of the collection in Delhi. I love the fact that sara kuch organic hai, sab kuch hand done hai. Wo bahut kam milta hai aajkal. Barik aur chota chota kaam hai. Har cheez mein ek surprise hota hai. Aap collar ko uthaiye to uske niche kuch hai, ek surprise sleeve pe detail hai. Buttons mein kuch hai. Kahin na kahin kuch hai jo aap expect nahi karte hai. And it's unexpected. I love that. क्या आपका सवाल क्या है कि मैं क्या गिफ्ट करूँगी? नहीं, मैं तो अब शेड्स ऑफ इंडिया को कुछ सालों से देख रही हूँ और हर कलेक्शन में कुछ अलग होता है और एक क्रिएटिव इंसान जो होता है वो उसमें अगर कंसिस्टेंसी हो तो कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि एक आर्ट अपने आप में एक मैजिक है. तो कोई कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, कोई कलेक्शन में कुछ और होता है, कोई कलेक्शन से आप सीखते हैं. तो मुझे इनके ओवर द ईयर्स देखने का भी एक मज़ा आता है, एक आर्टिस्ट का काम जैसे देखते हैं उस तरह का लगता है मुझे. यहाँ पर एक तो उनके होम फर्निशिंग भी है, कुछ तकियों पे मेरी अभी नज़र पड़ चुकी है तो शायद मैं वो ज़रूर लेके जाऊँगी. मैं पहली बार होम फर्निशिंग्स देख रही हूँ शेड्स ऑफ इंडिया की, तो मेरे लिए तो वो एक नॉवल्टी है. उनकी कलेक्शन से मैं कुछ एक दो साल से फेमिलियर हूँ, पर मेरी नज़र इनकी तरह होम कलेक्शन पर है. ये एक कैंपेन था डार्क इज़ ब्यूटिफुल, तो जिसको अब हमने 10 साल बाद, जो किसी और ने शुरू किया था, मैं उसे सपोर्ट कर रही थी. अब उस कैंपेन को 10 साल हो गए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको रीइन्वेंट करना चाहिए. हम डार्क को ही क्यों ब्यूटिफुल और फेयर को हम लवली कहते हैं और इस तरह के लफ्ज़ हम इस्तेमाल ही क्यों करें. और ब्यूटिफुल वैसे भी औरतों पर बहुत बोझ है, हमेशा सुंदर खूबसूरत बनना क्यों. हमारे पास दिमाग है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टैलेंट है, हम बहुत चीज़ें कर सकती हैं. तो इसीलिए सोचा गया कि इसे कहा जाए कि इंडिया इज़ गॉट कलर, क्योंकि ये टाइम है कि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें. और एक तरह से हम लोग शेड्स ऑफ इंडिया भी नाम सोच रहे थे इसके लिए, क्योंकि वो वही स्पिरिट है कि शेड्स ऑफ इंडिया कोई एक चीज़ नहीं है. उसी तरह से इंडिया इज़ गॉट कलर इज़ नॉट एनी वन कलर, और इसमें गुल भी इसका हिस्सा है, टिस्का भी हिस्सा होते होते रह गए क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हुई. वो बहुत उन्होंने कोशिश की आने की, वो तीन रूट से वो आने लगी पर वो फिर उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन वो भी इस कैंपेन का हिस्सा हैं. और ज़रूरी नहीं है कि जो डार्क हो वो ही इस कैंपेन का हिस्सा रहे, यू नो, हम एक दूसरे को मदद करें. जैसे औरतों के जो मसले होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ औरतें उसका बीड़ा उठाएं, आदमियों को भी उतना ही उसका उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए. तो ये कैंपेन है, आप सब इसे अपनाइए. ये कोई मेरा कैंपेन नहीं है या इनका नहीं है, इनका नहीं है, हम सबका है. एंड लेट्स ऑल सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी इंडिया हैज. सो फाइनली गुल मैम, आपने भी कुछ ट्वीट्स किए थे फोटोज को लेके बारिश के टाइम पे जो वाटर लॉगिंग हुई थी, इसी दिन थे जिस दिन हम ये इंडिया पर ये फिर भी आ गए, किसी तरह पहुंच गए. मैं सुबह ये बहुत ही लंबा डिस्कशन वाला टॉपिक आपने छेड़ दिया है और मैं नहीं चाहती कि हम इसे आज यहाँ पे डिस्कस करें. डिस्ट्रैक्ट हों हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, मेरे ख्याल से उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए. बस इतना ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अगर शहर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो क्लॉग होंगे ही, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बीएमसी का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल है, पर हमारा भी बहुत बड़ा रोल है. तो मैं हम सिटीजन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एबडिकेट नहीं करवाना चाहती, बस इतना ही कहना चाहूँगा. और हमारी सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी है इस एनवायरनमेंट को संभालना. जो आज जो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हम क्लाइमेट चेंज को एक सिर्फ शब्द के हिसाब से ना सोचें या कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं समझ आता ना सोचें, हम सीरियसली अपनी ज़िंदगी में देखें हाउ कैन वी कंज्यूम लेस, हाउ कैन वी रीयूज़, यू नो, मतलब वो सारी जो चीज़ें हैं, हमारा छोटा सा ही रोल हो लेकिन उतना हम कोशिश करें हम सब. मैं इसमें अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ और सभी को, दैट वी नीड टू मेक दैट डिफरेंस. एब्सोल्युटली ट्रीज, 3,000 पेड़ अगर आप काट रहे हैं शहर के बीच में, विच इज़ द लंग ऑफ द सिटी, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ बोलना चाहिए. हमें पता है कि अर्बन प्लानिंग होती है, एक शहर के बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, लेकिन हम कैसे नेचर को ना अब्यूज़ करके करें. दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हो रही हैं, तो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. Yes, for sure. Okay. ये जिस चीज़ के लिए मैं खड़ी हूँ, जो मैं काम करती हूँ अपने पैशन के लिए, ये जितने मेरे यहाँ फ्रेंड्स हैं, दे हैपन टू बी एक्ट्रेसेस बट दे आर सिमिलर टू
their thinking and everything is similar to what I believe and think, which is love, environment, passion with what we can do, what I do. And for me, every woman, Nandita says why women should be beautiful, but for me, they are born beautiful, you know, whatever they are. They have such beautiful heart and everything. I love being associated with very strong and independent-minded women. As you are too. Thank you very much. Thanks, guys. I'm just giving it a little bit.